अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 18 फरवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज़। रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के लिए हरम शरीफ में बड़ी सरगर्मियां। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस साल रमज़ान के दौरान लेडी सिक्योरिटी अहलकारों को किया जाएगा तैनात। पाकिस्तान के सूबे सिंध के कराची में पुलिस चीफ ऑफिस पर दहशतगर्दाना हमला, 2 पुलिस अहलकार समेत 7 जाँ बहक, तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद अक्सा की तामीर व मरम्मत के जिम्मेदार अलकुद्स औकाफ ने लगाया इल्ज़ाम, मस्जिद अक्सा के मरम्मती कामों में रुकावटें डाल रहा है इसराइल। इसराइली मुजालम का फ़लस्तीनी नौजवान हर तरीके से दे रहे जवाब, नाबलूस में इसराइली ठिकानों पर फ़लस्तीनी ग्रुहों का हमला, कई इसराइली फ़ौजी जख्मी। तुर्किया के जलजला जिदगान के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की 1 अरब डॉलर इमदाद जमा करने की मुहिम का आगाज़, 52 लाख अफराद को इमदाद फराहम करने में किया जाएगा तआवुन। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने किया दावा, तालिबान ने वो तमाम शरायत कर दी पूरी जो बकौल उनके आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए ज़रूरी। जासूसी गुब्बारा मार गिराने पर अमेरिका चीन से नहीं मांगेगा माफ़ी, अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान, दावा किया चीन गुब्बारे को जासूसी के लिए कर रहा था इस्तेमाल। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया को मुश्तरिका फौजी मशकों को लेकर दी धमकी, कहा एक बार फिर बढ़ती हुई कशीदगी के संगीन भनोर में डूब जाएगा अमेरिका। अडानी मामले पर बिलियनर जॉर्ज सोरोस ने कहा मोदी और अडानी करीबी इत्तेहादी, तो भड़की बीजेपी, कहा जॉर्ज भारत की जमहूरियत को कर रहे चैलेंज, ये भारत पर हमला। कांग्रेस तर्जुमान अतुल लोधे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अडानी मामले पर मोदी हुकूमत को घेरा, कहा डरी हुई मोदी सरकार सच्चाई से भागना चाहती है। हरियाणा के भवनी में वहशी गौ रक्षकों की जानिब से जलाकर कत्ल कर दिए गए जुनेद नासिर मामले में पहला मुलजिम रेणुकु सैनी राजस्थान पुलिस के हाथों गिरफ्तार। जुनेद और नासिर मर्डर केस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर बरहम, कहा मोनू मानिसर समेत दीगर इंतहा पसंद गौ रक्षकों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती पुलिस। दुनिया के साथ भारत में भी माशी बहरान जैसे हालात, अब गूगल इंडिया ने अपने भी 400 से ज्यादा मुलाजमीन को कंपनी से कर दिया बर्खास्त। तकरीबन 60 सालों बाद ठाकरे फैमिली के हाथ से छीन गई शिवसेना की कमान, मातुश्री बंगले में उद्धव ठाकरे की पार्टी लीडरों के हमरा हुई अहम मीटिंग। बीजेपी का साल 2024 मिशन, मुसलमानों को पार्टी में जोड़ने बीजेपी का खास मंसूबा, उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में सूफी कॉन्फ्रेंस करेगी मुनाक़िद। उत्तर प्रदेश पुलिस का जुल्म चेहरा फिर आया सामने, मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाली खवातीन को मारी थप्पड़, समाजवादी पार्टी ने कहा खवातीन की इज्जत बीजेपी का ये है असल चेहरा। एसपी लीडर अब्दुल्ला आजम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, असेंबली रुकनियत से ना अहल करार दिए जाने के बाद अब उनका नाम वोटर लिस्ट से भी निकाल दिया गया। शबे मेराज और शिवरात्रि के पेश नज़र आज 18 और 19 फरवरी की रात शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स 10 बजे शब के बाद रहेंगे बंद। रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, हजारों अफराद की शिरकत, केसीआर हुकूमत पर अकलियतों व पसमानदा तबकात से धोखादही का लगाया इल्ज़ाम। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी सदर के नाजेबा तबसरे, तेलंगाना कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने की मजम्मत, कहा अंग्रेजों के एजेंट बीजेपी में बन गए कौमी हीरो। तेलंगाना के मेदक में पुलिस की मुबैना जुदकूब की वजह अब्दुल कादर खान नामी शख्स फौत, मौत के जिम्मेदार 3 पुलिस अहलकारों को बरतरफ कर दिए जाने, मेदक SP से मजलिस रुकन असम्बली ने की नुमाइंदगी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में महाशिवरात्रि त्यौहार की धूम, हैदराबाद में फलों की खरीदारी उरूज पर सीएम KCR ने भी पेश की मुबारकबाद। क्रिकेटर पृथ्वी शाह सेल्फी तनाजे के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने मजीद 3 मुलजिमान को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार शुदगान की तादाद हुई 4, मजीद मुलजिमान तहल मफरूर। MC स्टैन ने शाहरुख खान और विराट कोहली को पीछे छोड़कर नई तारीख की रकम, बिग बॉस जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आए MC स्टैन, 5,40,000 से ज्यादा लोग हुए ज्वाइन।
हैदराबाद में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर, 24 कैरेट सोना 58,200 रुपए फी 10 ग्राम जबकि प्योर चांदी 675 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।